Hi, grade 5th. Today I am starting with chapter number 14, fiber and their sources. Fibers मतलब कपड़े की टाइप हम जैसे cotton, silk, woolen clothes, then waterproof clothes, then nylon, rayon. ये सारे fibers हैं और उनके sources वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वार्म अप. यू मस्ट वेयर योर यूनिफॉर्म टू स्कूल एवरी डे. आप स्कूल जाने के लिए आपके कपड़े रोज पहनते हो, राइट? यूनिफॉर्म आप रोज पहनते हो. अभी तो आप लॉकडाउन की वजह से घर पे हो, लेकिन जब भी आप स्कूल आते थे तो आप अपने कपड़े रोज पहनते थे, यूनिफॉर्म रोज पहनते थे. डू यू नो वॉट मटीरियल हैज बीन यूज टू मेक योर यूनिफॉर्म? क्या आपको पता है कि आपका यूनिफॉर्म बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज हुआ है? डज योर यूनिफॉर्म ऑल्सो वेरी? ये वेरी का मतलब होता है अलग होना, डिफर होना. अलग, ये वेरी का मतलब है अलग होना. फ्रॉम सीजन टू सीजन, इफ यस व्हाई? मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आपका यूनिफॉर्म सीजन टू सीजन चेंज होता है? अगर हाँ तो क्यों? जैसे आपको पता है कि आप रेगुलर जब यूनिफॉर्म पहनते हो, जब आप पैंट और शर्ट पहनते हो, ठीक है, और गर्ल्स स्कर्ट शॉर्ट शॉर्ट स्प्लिटर स्कर्ट पहनते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपका स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म होता है उस टाइम पे आपका टी शर्ट और ट्रैक्स अलग होता है. एंड उसी के साथ जब आप विंटर होता है तब हम आपको नीचे ब्लू जींस अलाउ करते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीजन हम हमारे कपड़े चेंज करते हैं, राइट? क्लोथ्स मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, सिल्क, लिनियन एंड वूल. कॉटन क्लोथ जो है वो कॉटन, सिल्क, लिनियन एंड वूल जैसे रॉ मटेरियल से बनता है. दिस मटेरियल आर मेड फॉर वेरी थिन फिलामेंट्स कॉल्ड फाइबर्स. मतलब कि फिलामेंट्स मतलब एकदम पतले पतले धागे. फिलामेंट्स मतलब एकदम पतले पतले धागे. ये जो चारों है कॉटन, सिल्क, लिनियन एंड वूल, वो एकदम पतले पतले धागों से बनते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फाइबर्स. दिस फाइबर्स आर ऑब्टेन आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. ये जो फाइबर्स है वो या तो प्लांट से लिया जाता है या फिर एनिमल्स से. दस दे नोन एज नेचुरल फाइबर्स. इसीलिए इनको क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर्स. मतलब जो भी फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल्स से लिया जाए उसे क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर्स. फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेज आर नोन एज ह्यूमन मेड फाइबर्स. जो भी फाइबर्स हम आर्टिफिशियल सोर्स से लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड फाइबर्स. नाइलॉन इज वन सच एग्जाम्पल. नाइलॉन उसका एक एग्जाम्पल है. कॉटन. कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट. कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट्स के सीड्स से. द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स. जो कॉटन उगता है आपने अगर देखा हो तो वैसे फ्लावर जैसा होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स. द सीड्स आर फर्स्ट टेकन आउट फ्रॉम द कॉटन बॉल्स. वो जो कॉटन बॉल्स होता है उसमें से सीड्स को निकाला जाता है. देन द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ जीनिंग.
उसके बाद जो सीड्स है उसको अलग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जिनिंग। यार्न इज मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स बाय यूजिंग स्पिनिंग व्हील्स और चरखा। उसके बाद उसमें से क्या बनाया जाता है, यार्न। यार्न क्या होता है, उसको थ्रेड्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, उसे जो एक स्प्रेड शीट जैसा बनाया उसमें से उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। और वो प्रोसेस किससे होती है, स्पिनिंग व्हील या फिर चरखे से। नेक्स्ट, द फाइबर इज मेड फ्रॉम द यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग और निटिंग। उसके बाद वीविंग या निटिंग मतलब कि जैसे अगर हमें दिखता नहीं है बट कपड़ा कैसा होता है, ऐसे बहुत छोटे छोटे ऐसे, तो फाइबर्स को ऐसे ऐसे नीट किया जाता है या फिर वीव किया जाता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड। नेक्स्ट, द फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न और बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वीविंग और नीटिंग। कॉटन क्लोथ्स आर सॉफ्ट, दे मे ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर। कॉटन क्लोथ सॉफ्ट होते हैं और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे कौन किस टाइप के मॉइस्चर की बात हो रही है, यहाँ पे स्वेट की बात हो रही है। यहाँ पे स्वेट मतलब पसीना। कॉटन क्लोथ ऐसे होते हैं जो पसीने को सोख लेते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मॉइस्चर। विच टाइप ऑफ मॉइस्चर, पसीना और ऐसे, दैट इज वाई दे आर कंफर्टेबल टू वेयर कॉटन क्लोथेस इन समर। इसीलिए हम कॉटन क्लोथ्स समर में पहनते हैं ताकि जैसे मैंने कहा कि वो सॉफ्ट होते हैं तो मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये देखिए, ये कॉटन की प्रोसेस है। द फर्स्ट प्रोसेस इज पिकिंग अप कॉटन। ये देखो, ये कॉटन को पिक कर रहे हैं, मतलब उसके प्लांट से निकाल रहे हैं। द सेकेंड प्रोसेस इज जिनिंग। उसके बाद क्या कर रहे हैं, जिनिंग कर रहे हैं। द स्पाइनिंग टेक्स प्लेस। उसके बाद स्पाइनिंग मतलब मैंने कहा यार्न में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे चरखा या फिर जैसे उसको धागे में कन्वर्ट करते हैं। एंड द फैब्रिक इज वूवन। जैसे मैंने ऐसे बताया कि ऐसे फैब्रिक नीट करते हैं। सो लास्ट प्रोसेस इज फैब्रिक इज वूवन। नाउ सिल्क। सिल्क इज मेड फ्रॉम ककून ऑफ सिल्कवर्म लार्वा। ये जो सिल्कवर्म है उसके ककून से बनता है। लास्ट ईयर हमने सीखा था ककून कैसे बनते हैं। जो सिल्कवर्म होता है वो मलबरी बुश पे उसको रेंडर किया जाता है, उसको उसके ऊपर ग्रो किया जाता है, मलबरी बुश खिला के, मलबरी लीव्स खिला के। और उसके साथ क्या होता है कि वो अपने आसपास एक ककून बनाता है अपने सलाइवा से, अपने लार से। तो वो अपने आप को वो ककून के साथ उसके अंदर अपने आजू बाजू अपनी ये जैसे सिल्कवर्म है तो वो अपने आजू बाजू ऐसे लार से ये सिल्क पैदा करता है, तो वो ऐसे ककून्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, सारे ककून्स को बॉइलिंग वाटर में छोड़ दिया जाता है और उसके बाद वो वहां से
बॉइलिंग वाटर में, और जो सिल्क वर्म जो है वो मर जाता है। उसके बाद उनको वहां से निकाल के फिर उसका ये क्रिएट किया जाता है। सिल्क इज मेड फ्रॉम ककून ऑफ द सिल्क वर्म लार्वा, सिल्क वर्म का नाम भी दिया है लार्वा। व्हाट वी कॉल्ड सिल्क इज द हार्डन सलाइवा ऑफ द लार्वा। ये जो सिल्क वर्म है उसके हार्डन सलाइवा, मतलब कि जैसे मैंने कहा कि वो अपने सलाइवा को अपने आजू बाजू ऐसे राउंड करता है, तो सिल्क क्या है, ये लार्वा की सलाइवा जो हार्ड चीज में कन्वर्ट हो गई हो। द लार्वा इज रिमूव फ्रॉम द ककून टू टेक आउट द फाइबर। जैसे मैंने कहा था पहले, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ाई की थी, उसको वो जो ककून्स क्रिएट करते हैं उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं और उसके बाद उसको सिल्क में स्पिनिंग करके बनाया जाता है। द सॉफ्ट फाइबर ऑफ ककून इज देन स्पन इन टू सिल्क। उसके बाद उसका जो सॉफ्ट फाइबर बन गया, ये जो इसका हार्ड सलाइवा है वो सॉफ्ट फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है बॉइलिंग वाटर में डालने से, और ये जो इंसेक्ट होता है लार्वा वो भी मर जाता है। तो इस ऐसे ही ये जो हार्ड 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 सलाइवा जो है उसका, सलाइवा मतलब लार थूक होता है ना वो, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है और इस ऐसे सिल्क कन्वर्ट होता है। सिल्क वर्म ककून्स ऑफ सिल्क वर्म एंड द सिल्क फाइबर स्पन इन टू द सिल्क फैब्रिक। सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, एंड विद दिस आई एंड दिस क्लास। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय फॉर द डे, बाय।